नमस्कार, मेरा नाम आरती सिंह है। मेरी हमने समिति बना रखी है, माँ अंजनी सेवा समिति। बेसिकली हम लोग कीर्तन, भजन और सुंदरकांड करते हैं। हम लोग पहले इतना ये शुरुआत ही हमने इसलिए की थी क्योंकि बहुत सारी एक तो भ्रांतियाँ धर्म में फैला रखी हैं, उन भ्रांतियों से अलग हटें। कुछ महिलाओं के बीच में जो बहुत भ्रांतियाँ कि हम इस समय पूजा नहीं कर सकते, ये राहु काल है, ये दिशा है, उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने काम किया। और बहुत समय से 2010 में हमने ये समिति बनाई थी। उस समय लड़कियों का जन्म मातम जैसा मानते थे, दस से पहले जब हम हुए थे तब हमारे घर में भी यही था। हम चार बहनें थे। 2010 से पहले तक ये था, बच्चियां हो गई, जन्मदिन मनाया, केक काटा और बस इनका यही जन्मदिन था। बेटे के जन्मदिन पे बड़ा जागरण रखा, बड़ी पार्टी रखी, डीजे पार्टी रखी। तो हम लोगों ने जब कीर्तन मंडली शुरू की तो हमने प्रयास किया कि जहाँ बेटियाँ हैं, जिनके बेटियों का जन्मदिन है, मिलते थे आस पड़ोस में तो बेटियों का जन्मदिन होता था तो हम कहते थे कि बेटी का जन्मदिन है, आप खर्चा मत करो लेकिन हमसे कीर्तन कराओ, एक रुपया खर्च मत करो, कीर्तन कराओ। कीर्तन कराया उनको, फिर एक चीज़ और भी सोचते कि अपने धर्म के प्रति हम बच्चों को कैसे लेके आएंगे, क्योंकि आज का समाज ऐसा है बच्चे धर्म से विमुख हो रहे हैं, धर्म की तरफ नहीं जाते हैं, पूजा पाठ में नहीं जाएंगे, डीजे पार्टी में ज़रूर जाएंगे। तो हमने उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं आज, अगर आप कभी चक्कर लगे हमारे तरफ तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हर तरीके से, जब कहते हैं अच्छा आंटी आई हुई है कीर्तन करने, बुआ जी आई हुई है, बुआ जी बोलते हैं मोस्टली बच्चे, बुआ जी बोलते हैं, तो वो बच्चे कहते हैं कि अब हमें कीर्तन में करना है, करवाना है, सुनना है, आपका कीर्तन कहाँ है। बच्चों को उस तरफ मोड़ा, पाश्चात्य संस्कृति पश्चिमी सभ्यता की अपना रहे थे। हम सोना पहनते हैं लेकिन सोना जब हम बाहर पहन के जाते हैं तो गले में दुपट्टा ऐसे बांध लेंगे ताकि कोई छीन के ना भाग जाए, लेकिन वही जब हम अपनी बेटियों को, बच्चियों को बाहर निकालते हैं तो इतने छोटे छोटे कपड़े उन्हें पहना के भेज देते हैं कि वो सोने से ज़्यादा कीमती हैं जिनको हम समाज को दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जब बच्चियाँ बाहर जाएँ तो कपड़े ऐसे ढंग के पहन के जाएँ तो नज़र उठे तो अच्छाई के लिए उठे, बुराई के लिए ना उठे। उन्हें अगर नज़र भर के कोई देखे भी तो ये कहे कि बहुत अच्छी, बहुत संस्कारी बच्चे हैं। उन्हीं चीज़ों पे हमारी संस्था काम करती है, हमारी समिति काम करती है। फिर पुरुषों ने कहा कि सुंदरकांड महिलाएं नहीं करेंगी, महिलाएं सुंदरकांड नहीं कर सकती हैं। हमने महिला मंडल की पूरी सुंदरकांड की समिति बनाई और सुंदरकांड हम लोग घर घर जाके करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं। बेसिकली हमारा धर्म के प्रति झुकाव है, हम लोग धर्म से लोगों को जोड़ना चाहते हैं ताकि धर्म से लोग जुड़ेंगे, संस्कार आएंगे, अपने आप संस्कार आएंगे। हम पढ़ाई लिखाई के लिए एनजीओज बनी हुई हैं, बहुत एनजीओ हैं जो पढ़ाई लिखाई पे काम करती हैं, गरीबों के लिए काम करती हैं, संस्कारों पे काम करती हैं। हम संस्कारों पे काम नहीं करते, हम धर्म पे काम करते हैं, संस्कार अपने आप आ जाते हैं। बच्चे अगर हमारे अच्छे से बैठे होंगे तो हर कोई उनको अच्छी नज़र से देखेगा, बुरी नज़र से देखने का मतलब ही नहीं बनता। इसलिए हम लोग इन चीज़ों पे काम करते हैं, हमारी समिति बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे काम करती है। धन्यवाद।